हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज के वीडियो में आप सभी लोग को यह बताने वाला हूँ कि आप लोग सपोर्ट के लिए कैसे स्ट्रॉन्ग आईडी बना सकते हैं और किस तरह से सपोर्ट करना है टाइमलाइन पे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे फैमिली मेम्बर कोड अपडेट कर लीजिएगा। इस वीक का कोड है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि इमोजी का ऑप्शन आएगा, इमोजी पर क्लिक करना है। इमोजी पर क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आप लोग को ऐसा डॉट दिखेगा कलरफुल। तो यहाँ पर आप लोग को 3 ठो येल्लो कलरफुल डॉट को बायो में एडिट कर लेना है। यही कोड है, सब लोग कोड अपडेट कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इससे पहले पिछले वीडियो में आप लोग को एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने के लिए बता चुका हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि टेम्प मेल से अकाउंट बनाने से आप लोग का आईडी डिसेबल हो जाता था और कुछ समय बाद आप लोग का आईडी एक्शन ब्लॉक हो जाता था। आज के वीडियो में एक न्यू ट्रिक है जिससे आप लोग सपोर्ट के लिए स्ट्रॉन्ग आईडी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को चले जाना है इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में आने के बाद आप लोग को करना है यहाँ पर क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपली ऐड न्यू अकाउंट पर करना है क्लिक। ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप लोग को करना है क्रिएट न्यू पर क्लिक। और यहाँ पर आप लोग को यूज़र नेम पूछेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग को यूज़र नेम देना है जो आप लोग का रियल यूज़र नेम है। सिंपल वही यूज़र नेम देना है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरा यूज़र नेम रोहित है, तो यहाँ पर सिंपली आप लोग को रोहित लिख लेना है। रोहित लिखने के बाद यहाँ पर कुछ भी आप लोग लास्ट में कुछ भी, कोई भी डिजिट ABCDEFG कुछ भी आप ऐड कर दीजिए। और ABCDEF ऐड करने पर अगर आप लोग का यहाँ पर नाम अप्रूव नहीं हो रहा है तो लास्ट में आप लोग को नंबर कुछ भी ऐड कर देना है। ऐड होने के बाद यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, उसके बाद आप लोग को कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। और यहाँ पर सिंपल सा आप लोग को फ़ोन नंबर को कर देना है रिमूव। फोन नंबर रिमूव करने के बाद आप लोग को ईमेल एड्रेस पर करना है क्लिक। और अपने पुराने ईमेल एड्रेस को भी कर देना है रिमूव। ईमेल एड्रेस रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम लोग को चाहिए एक ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस लाने के लिए सबसे पहले आप लोग को चले जाना है क्रोम ब्राउजर पर। तो क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है 10 मिनट मेल। जैसे कि आप लोग देख, यहाँ पर देखिएगा कि सर्च करने पर बहुत सारा ऐसा वेबसाइट आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली से सेकंड नंबर पर ये वाला पर आप लोग को करना है क्लिक। और यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग के सामने ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग को जैसे ही क्लिक कीजिएगा, टैप कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को चले जाना वापस से इंस्टाग्राम पर। और यहाँ पर आप लोग को जो ईमेल एड्रेस आप कॉपी किए हैं, यहाँ पर आप लोग को सिंपली से फिलअप कर देना है, पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कन्फर्मेशन कोड मांगेगा, तो कन्फर्मेशन कोड के लिए आपको दोबारा चले जाना है क्रोम ब्राउजर पर, यहाँ पर जो वेबसाइट ओपन था। और आप लोग को जैसे यहाँ पर नीचे देख रहे हैं इनबॉक्स में, यहाँ पर अभी जस्ट नाउ मैसेज आया है, तो यहाँ पर जो कोड है, कोड को सिंपली से यहाँ पर देख लेते हैं 695071 कोड फिलअप करने के बाद आप लोग को सिंपली से कर देना है नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को पासवर्ड, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बना लेने के बाद आप लोग को सिंपली से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। कंप्लीट साइन अप। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को कुछ समय लगेगा। उसके बाद आप लोग को स्किप पे कर देना है क्लिक। स्किप स्किप यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा अकाउंट रेडी हो चुका है सिंपली से। आईडी कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से थोड़ा सुनिएगा। सिंपली से आप लोग को एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को सिंपली बायो में जाना है। बायो में यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है दिस इज़ सपोर्टिंग आईडी
सपोर्टिंग आईडी लिख के आप लोग को फिर स्पेस देना है। स्पेस दे के यहाँ पर आप लोग को लिखना है मेन आईडी। मेन आईडी लिखकर आप अपना मेन आईडी को मेंशन कर देना है। मेन आईडी लिख के यहाँ पर आप लोग को लिखना है मेन आईडी। मेन आईडी लिखकर आप लोग को मेन आईडी को मेंशन कर देना है। मेंशन करने के लिए सिंपली आप लोग को एट द रेट यहाँ पर क्लिक करना है। एट द रेट लगा के अपना जो भी आपका मेन आईडी है उसको मेंशन कर देना। तो मैं यहाँ पर इंस्टा हीरोज लिख लेता हूँ। और यहाँ पर इंस्टा हीरोज आने के बाद यहाँ पर इंस्टा हीरोज को आप लोग को सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका बायो एडिट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग को डन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप लोग को जो अपना मेन प्रोफाइल पिक्चर है वही प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर भी आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। और प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने सिंपली यहाँ पर आप लोग को डन कर देना है। और यहाँ पर अपना एक प्रोफाइल पिक्चर पोस्ट कर देना है। यह हमारा सपोर्टिंग आईडी बन चुका है और स्ट्रॉन्ग आईडी बनेगा। आप लोग खुद ट्राई करके देख लीजिएगा।